चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरों का। देवभूमि में राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। राहुल ने किच्छा में किसानों से मुलाकात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। धर्मनगरी हरिद्वार में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और जनता का आशीर्वाद लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में चुनावी रैली को प्रचार किया। सीएम ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धि को जनता के सामने रखा और वोट की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा 6 को उत्तरकाशी और 7 फरवरी को नितिन गडकरी देहरादून आएंगे। बीजेपी 5 या 6 फरवरी को घोषणा पत्र जारी कर सकती है। बीजेपी ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए 70 विधानसभा सीटों से सुझाव मांगे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर दरबार में विधि विधान से तिथि तय कर दी गई। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भक्ति भाव से लोगों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। मतदान को लेकर उत्तराखंड में तैयारी तेज। संवेदनशील मतदान केंद्रों को ध्यान में रखते हुए अलर्ट हुआ चुनाव आयोग। इसीलिए एहतियात के तौर पर चुनाव आयोग ने केंद्र से 155 कंपनी फोर्स की मांग की। उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी के चलते दूल्हे को दुल्हन तक पहुंचने के लिए घंटों समय लग गए। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटन मसूरी का रुख कर रहे, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन यहां भी भारी बर्फबारी के चलते बिजली पानी की व्यवस्था ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।